आज दिल्ली पूछा कि इस मेले में आकर हम लोगों को, किसान भाइयों को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि धान और जो हमारे क्षेत्र में मूंग पैदा होता है उसके बहुत सारे बीज ऐसे हैं, जैसे कि मूंग की एक प्रजाति है 1431 56 दिन में तैयार हो जाती है, ऐसे 1692 एक धान की प्रजाति है PB 1692, ऐसी कई सारी प्रजातियाँ और नई नई टेक्निक्स तकनीकें देखने को मिलती हैं किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पर करनाल का भी शुगर केन, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत अच्छी फसल है तो शुगर केन का भी यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ, तो वहाँ पर गन्ने से संबंधित CO 1523 हाई रिकवरी, जो भारत की अभी तक की सबसे ज़्यादा रिकवरी वाली वैरायटी है, वो भी यहाँ पर देखने को मिली। और कई सारी जानकारियाँ मिल रही हैं लोगों से नई नई तकनीकों के बारे में, किस तरीके से हम अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरीके से बढ़ावा कर सकते हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि सब्जी जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि लाल बंद गोभी है, लाल गाजर है, लाल सेम है, इस तरीके की नई प्रजातियों के बारे में बृहत रूप पर हमको यहाँ पर बहुत अच्छी पूसा में जानकारी मिल रही है। इसके लिए मैं यहाँ के सरकार को और साथ ही साथ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा मेला है, प्रत्येक किसान से मेरा निवेदन है कि इस मेले में अवश्य आए और नई से नई जानकारियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद। और ग्रीन टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।